वेब दुनिया नाम बड़ा अटपटा लगता है। हमने लिखने और पढ़ने के क्षेत्र में किताब चुनी, कलम चुनी, दवात चुनी, फाउंटेन पेन चुना, पर इन सब के बिना भी भाषा जानी जा सकती है, बोली जा सकती है और उस भाषा में लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। ये परिवर्तन विज्ञान ने दिलाया वेब दुनिया के माध्यम से। वेब दुनिया एक ऐसी स्थापना थी, एक ऐसा प्रारंभ था जिसने न केवल भाषा को आगे बढ़ाया बल्कि लोगों को ये सुविधा दी कि वो आसानी से अपनी भाषा में अपनी चीज़ दूसरी तरफ भेज सके। दूसरी तरफ से मेरा तात्पर्य जहाँ वो पत्र भेजना चाहते हैं, चिट्ठी भेजना चाहते हैं, किताब भेजना चाहते हैं, वहाँ ये सारी जानकारी वो वेब दुनिया के माध्यम से भेज सकते हैं। वेब दुनिया हिंदुस्तान में ऐसी पहली संस्थान है जिसने हिंदी भाषा को कंप्यूटर के माध्यम से दूर दूर तक भेजना शुरू कर दिया और उस चैनल का नाम था वेब दुनिया। अब वेब दुनिया आज के विज्ञान में एक छोटी चीज लगे, क्योंकि यहां से लांग करके कुछ सेकंड में ही सैकड़ों मील चले जाने का जो नया दौर शुरू हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि वेब दुनिया क्या चीज़ है, क्योंकि एक छोटे से शब्द से लोग कह देते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, मैं ये स्थिति में काम करता हूँ, मैं ये चीज़ का उपयोग करता हूँ। पर वेब दुनिया ऐसा पहला प्रारंभ था जिसने न केवल भाषा सिखाई बल्कि उस भाषा में दूर दूर तक चीज़ें जा सके, ये कार्यक्रम शुरू किया। वास्तव में अगर संक्षेप में देखें तो वेब दुनिया एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा माध्यम है जो आपके पास किताब नहीं है, आपके पास अखबार नहीं है, तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं अपने कंप्यूटर के पर्दे पर। दरअसल वेब दुनिया ने हिंदी को न केवल सुधारा बल्कि हिंदी को इतनी दूर दूर तक पहुंचा दिया कि जो लोग हिंदी क्षेत्र के थे और दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उनको भी लगा कि हमें अपनी भाषा में अपनी चीज़ पढ़ने को मिल रही है, हमें वो पढ़ने को मिल रहा है जो मेरे पिताजी ने, जिन्होंने 12 खड़ी सीखी है केवल भाषा की, वो भी लिख करके मुझे भेज सकते हैं। केवल हिंदी भाषा नहीं पर भारत की अन्य दूसरी भाषाओं के लिए भी वेब दुनिया ने पोर्टल बनाए और ये पहला मामला था पोर्टल बनाने का। वेब दुनिया ने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान में लिखी जाने वाली, बोले जाने वाली जितनी अलग अलग किस्म की हिंदुस्तानी भाषा है उन सबको एक पर्दे पर ला करके उन सबको पढ़ने की इच्छा रखने वाले ये जान सकें कि मैं अगर कोई लिखी हुई चीज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ, तब भी मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी भाषा में कोई मुझसे क्या कहना चाहता है, कोई मुझे क्या बताना चाहता है। वेब दुनिया एक तरह से एक लाइब्रेरी भी है, एक वाचनालय भी है, एक पुस्तकालय भी है। हम वाचनालय और पुस्तकालय में अंतर नहीं करते, हम मानते हैं कि वाचनालय ही पुस्तकालय है। दरअसल वाचनालय का संबंध वहाँ आई हुई चीज़ों को पढ़ने से है, उसमें अखबार भी हो सकते हैं, पर पुस्तकालय में अखबार भी हों ये जरूरी नहीं है। वेब दुनिया जैसे संबंध से, वेब दुनिया जैसे साधन से हम अपने को एक जगह बैठा देख करके भी कई जगह हम बैठे हैं ये हम लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। मैं इस बात के लिए, वेब दुनिया के स्थापना के लिए जो कोशिश की गई उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि अंग्रेजी में तो संदर्भ के बहुत सारे साधन मिलते हैं पर हिंदी में भी वेब दुनिया इतने साधन हमारे दैनंदिन जीवन के उपयोग में आने की शिक्षा दे सके, देती रहे और आज जहाँ तक पहुँची है उससे कई गुना आगे बढ़े। मैं बधाई देता हूँ वेब दुनिया के स्थापकों। वेब दुनिया के 15 वर्ष पूरे होने के इस
सुख के क्षणों में मैं इसके पाठकों को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये एक साधन ऐसा है कि जब आपके पास अपने विचार को बहलाने के लिए, बहाव में लाने के लिए अगर साधन नहीं है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और अगर साधन है तो जानकारी लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी भी है, संदर्भ ग्रंथ भी है, और विचारों के आदान प्रदान की राह भी है। मैं बधाई देता हूँ इस संस्था को जिसने ये स्थापना की, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे अन्य भाषाओं में और विशेष करके बातचीत में अंग्रेजी में बहुत बड़ा माध्यम अंग्रेजी बनी हुई है, उससे भी बड़ा माध्यम हिंदी और हिंदुस्तानी और अलग भाषाओं में वेब दुनिया अपने आप को बनाए और ये दिखा दे कि केवल स्कूल में बैठ करके किताब पढ़ना या लाइब्रेरी में बैठ करके किताब पढ़ना या जो मैं दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना चाहता हूँ, ये जानने की कोशिश करना, ये केवल उन भाषाओं में भी नहीं है, मेरी भाषा में भी।